और आइए आपको ले चलते हैं रायपुर। आज वहां पर पदयात्रा सीएम विष्णुदेव साय निकाल रहे हैं। सीधा हम रायपुर आपको ले चलते हैं, जिसकी जोर शोर से तैयारियां भी पदयात्रा को लेकर की गई थी। उम्मीद की एक किरण हम सभी के भीतर जगाता है, एक आस जिसे हम ईश्वर के सामने रखते हैं, दीप जो हमें एक सही राह दिखाता है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत माननीय अतिथिगण अपने करकमलों से कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह उक्ति प्रचलित है, सूर्यान संभव दीपः, अर्थात सूर्य के अंश से ही दीप की उत्पत्ति होती है। यह प्रज्वलित दीप हमारे समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक का उदाहरण है, का प्रतीक है। तो आइए हम सभी प्रकार के संभावित विघ्नों का अपहरण करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने आज के इस गौरवशाली आयोजन के सफलता की ओर बढ़ते हैं, संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आज की इस कार्यक्रम का आगाज करें, आज की इस आयोजन का आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंच पर आसीन हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें हम, और अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ हम आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत हेतु हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय, हमारे जननायक, हमारे सुशासन प्रिय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। माननीय कृपया इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता जी, स्वागत हेतु मुख्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी। स्वागत किस क्रम में मैं माननीय श्री टंगराम वर्मा जी मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता जी। इसके साथ ही मैं स्वागत हेतु इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, माननीय श्री केदार कश्यप मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सचिव श्री हिमशेखर गुप्ता जी, माननीय श्री दयाल दास बघेल जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। इसी क्रम में मैं स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा ओएसडी खेल एवं युवा कल्याण विभाग डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी, माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी विधायक रायपुर उत्तर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेडी श्रीमती यामिनी पांडे गुप्ता जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, और हमारे रायपुर उत्तर के विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, हम सबके दुलरवा पद्मश्री धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय अनुज शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय संजय श्रीवास्तव जी, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष भाई विश्वजीत सिंह तोमर जी, हमारे विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता जी, संचालक तनुजा सलाम जी, जिला के कलेक्टर गौरव सिंह जी, हमारे धर्म गुरु समाज के गुरु और हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, हमारे जिला पंचायत के सीओ विश्वदीप जी, हमारे खेल विभाग और अन्य विभाग से पधारे हुए सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे मीडिया के सभी साथी और नेहरू युवा केंद्र, हमारे खेल विभाग के सभी हमारे बच्चे,
आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पद यात्रा के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि आज 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर की तिथि ऐतिहासिक महत्व रखती है। आज का यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश के आजादी के बाद हमारा एक प्रमुख लक्ष्य था कि भारत में एक संविधान का निर्माण हो। तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, विचारकों ने, समाजसेवियों ने बैठ करके एक संविधान सभा का निर्माण किया और इस संविधान सभा को अपने इस कार्यक्रम को बनाने में 2 साल 11 महीने का समय लगा। संविधान की रचना की और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित हुआ। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान भारत में लागू हुआ। हमारा भारतीय संविधान विश्व के लिए एक आदर्श है। विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान का अद्भुत संगम है। तमाम विविधताओं के मध्य हमारे हृदय में बहने वाली एकता की अंतरधारा ही हमारे संविधान की पहचान है। हमारे भारतीय संविधान केवल नियम का किताब ही नहीं बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। मानवीय मूल्य के प्रति हमारे संघर्ष का, अंत्योदय के विकास का, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, सबका साथ सबका विकास, संविधान की यही एक संकल्प है। संविधान दिवस पर आयोजित इस पद यात्रा में मैं इस आयोजन के माध्यम से अपने राज्य के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान कर्तव्यों एवं अधिकारों की गूढ़ व्यवहारिक व्याख्या है। वस्तुतः संविधान का मूल उद्देश्य हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर राष्ट्र का विकास करना है। हमें अपने संविधान के इस भाव को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसका संविधान ही आत्मा होती है। इस दृष्टि से आत्मा का संपोषण और संरक्षण उस राष्ट्र के नागरिकों का दायित्व होता है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि हम अपने संविधान को पढ़ें, जानें और संविधान के अनुरूप हम देश की एकता और अखंडता के लिए हम कार्य करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अधिकारों का बंधन, कर्तव्यों का ज्ञान, एकता की मिसाल और भारतवर्ष का अभिमान कुछ ऐसे ही अलग जगा गए हमारे माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है हमारे अगले अतिथि को सुनने के लिए। मैं सम्मान माननीय मंत्री महोदय श्री केदार कश्यप जी से आग्रह करती हूं कि वे आज के इस पावन अवसर पर आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। बोल भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे बोल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पदयात्रा के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, एक बार सभी से आग्रह की जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। मंच पे बैठे हमारे वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री धर्मलाल कौशल जी, उनका भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। और जिनके तत्वावधान में ये पूरा आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे खेल विभाग के मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे खाद्य मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी,
एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करें। मंच पे बैठे हमारे माननीय श्री विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे माननीय श्री अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहेब, और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे महामंत्री भाई संजय श्रीवास्तव जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे युवा आयोग के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई विश्वजीत तोमर जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। विभाग के सचिव हिमशिखर जी और सभी हमारे अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, हम सबके लिए सौभाग्य के विषय है आज पूरे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये संविधान दिवस पर जो पदयात्रा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करके हमारे छत्तीसगढ़ के जन जन तक संविधान को पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है, कानून के इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगे बढ़कर के अगुवाई कर रहे हैं, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर से हम सबके लिए गौरवशाली में इतिहास, जिसमें हम लोगों ने जब देश आजाद हुआ, देश को चलाने के लिए जो नियम बनने थे, कानून बनने थे, उस कानून का निर्माण हमारे उस महान सपूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 26 नवंबर 1949 को जब इसका निर्माण किया गया। और ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि हम दुनिया को आज दिशा देने की ताकत रखते हैं। आप सोचिए कि हमारे संविधान में इस बात के कि वनांचल में रहने वाली एक बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े संविधान के मुखिया के नाते नेतृत्व करती है, ये हमारे देश की संविधान की खूबसूरती है। हमारे वनांचल से हमारे किसान के बेटे आज गांव से निकल करके हमारे छत्तीसगढ़ के अगुवा की भूमिका निभाते हैं, विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी, ये इस बात का उदाहरण है, इस संविधान का। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं और सभी बच्चों से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब अध्यापन करते थे तब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई दलित व्यक्ति आगे बढ़े, इसलिए उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया गया, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, वो बाहर रह करके पढ़े और दुनिया के विशिष्ट संस्थाओं में पढ़े। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सभी हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, जब महू जैसे छोटे जगह से हमारे दुनिया के सबसे बड़े संविधान के निर्माता निकल सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में हमारे ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हमारे इन प्रतिभाओं को आगे लाने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ें। बहुत सारे विषय और भी हैं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के इस निर्माण के अवसर पर आज जो हम संविधान दिवस मनाना है, ये हमारे युगों युगों तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद रखा जाएगा। आने वाले पीढ़ी तक ये पहुंचे, इस बात के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे संविधान में यदि अधिकार है तो कर्तव्य भी है, ये एक सिक्के के दो पहलू है। इसलिए हम अपने अधिकारों की बात करें तो अधिकारों के साथ साथ इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसके प्रति भी हम सचेत रहे। मैं पुनः आज की इस अवसर पर, संविधान दिवस पद यात्रा के अवसर पर, मैं आप सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हर किसी की रक्षा की जा सके ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे जो, वो है हमारा भारतीय संविधान। और आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी में बैठकर बहुत सी चर्चाओं को बहुत ही कुशलता से किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कौशिक जी का। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज हम सब लोगों के लिए सुखद अवसर है कि संविधान दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं और कार्यक्रम के बाद में हम पद यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। हम जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन और स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सम्मान्य टंकराम वर्मा जी, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी, साथ ही हमारे विधायक साथी पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत सिंह साहेब जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी और हमारे विभाग के सचिव संचालक सभी अधिकारीगण यहां पर उपस्थित, हमारे खेल से जुड़े हुए सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं उपस्थित, सम्मानित जन और प्रेस के मित्रों, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। आजादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन आजादी के बाद में संविधान भी बना, लेकिन संविधान दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हमें संविधान दिवस मनाना है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का हम ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आजादी के बाद में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमारे देश के बागडोर तो हमें मिल गई है, आगे हमारी कल्पना क्या है और इस देश की व्यवस्था संचालन हम कैसे करेंगे। हर देश का अपना संविधान होता है और इस प्रकार से भारत के संविधान की कल्पना की गई, तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि संविधान का निर्माण कैसे हो। और कुछ लोगों का मत था कि जहां से आजादी मिली है हम वहीं से इस प्रस्ताव को लेकर के आए, लेकिन प्रश्न ये है कि जब उन्हीं से लेकर के आएंगे तो देश की आजादी क्यों और उनसे मुक्ति क्यों,
यदि भारत हमारा आजाद हुआ है तो भारत का अपना संविधान होना चाहिए, और संविधान होना चाहिए तो इसके लिए खोज की गई। तो तत्कालीन समय में जो उस समय नाम आया कि प्रस्तावना इसका तैयार कौन करे, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आया और उनके नेतृत्व में प्रस्तावना बनी और आज हमारा संविधान हमारे सबके बीच के सामने है। इस गाथा लंबी गाथा है संविधान की कि इस संविधान को बनाने में जहां देश के महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी भूमिका का अदा किया है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस संविधान में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपना समस्त दृष्टिकोण रख करके संविधान को प्रतिपादित करने में अपना योगदान दिए है। मैं समझता हूं उनको भी आज नमन करने का समय है, स्मरण करने का समय है। 1949 में हमारा संविधान तैयार हो गया और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। आज हम अधिकारों की बात हम बहुत करते हैं, ये अधिकार हमको मिला है, ये अधिकार हमको मिलना चाहिए, लेकिन संविधान में केवल अधिकारों की बात नहीं, हमारे कर्तव्यों की भी बात उसमें समाहित है। और इस देश को लंबे समय तक हम इसको विश्व के पटल पर स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो संविधान दिवस पर इस बात का संकल्प लेना चाहिए, अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और अपने जवाबदेही को हम सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संविधान और हमारा पुष्ट होगा, हमारे पालक के रूप में काम करेंगे। इस संविधान में आप देखिए हमारे जो अलग अलग काम करने को हमको जो स्वतंत्रता दी गई है कि विधायिका का काम कानून बनाने का, उसके बाद में हमारे न्यायपालिका जिसके आदेश का हम पालन करते हैं और क्रियान्वयन हमारे कार्यपालिका, तो हमारे न्यायपालिका हमारे विधायिका कार्यपालिका ये तीनों में समाहित किया गया है कि अलग अलग कार्य उनको दिया गया है और उन कार्यों के अंतर्गत आज हम इस देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। पूरे दुनिया के यदि हम कहें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ये हमारा भारत है और हम आजादी के अमृत महोत्सव मनाए हैं क्योंकि हमारा संविधान हमारे सामने में है, उस संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, हमारे जो सामाजिक समता का हमारे अधिकारों का उल्लेख किया गया है, सारे समाज को समाहित करने का काम इस संविधान में किया गया है। और इसलिए मित्रों हम इस संविधान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं कि हम जितने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हुई है हम अपने आदर्श मान करके उस संविधान का हम सब पालन कर रहे हैं। और इसलिए हम इस संविधान दिवस के अवसर पर हम केवल न संविधान दिवस मनाएं बल्कि दो चार पन्ना उसका पढ़ना भी चाहिए और पढ़ करके ये देखना चाहिए कितने मेहनत से बनाए गए हैं। अलग अलग देशों का संविधान की जब बात आएगी तो हमारे जहां से आजादी मिली ब्रिटेन का हमारा जो संविधान है लिखित में बहुत संक्षिप्त है लेकिन उनका मौखिक बहुत ज्यादा है, परंपरा के ज्यादा है, उसके अंतर्गत मानते हैं। हमारा संविधान में दोनों का समावेश है, हम लिखित में भी हैं, हम परंपराओं का भी हम पालन करते हैं। और उसके साथ ही साथ इस संविधान में इतने हम लचीला बनाए हैं कि हमारे निर्माताओं को यह मालूम था कि समय बढ़ते जाएंगे संशोधन की आवश्यकताएं होगी, हम उसको संशोधन भी करेंगे, तो हमारा संविधान को लचीला बनाया गया और इस प्रकार से उसमें अनेक अनुच्छेद में समय समय पर संशोधन समय के साथ में करते हैं ताकि आने वाले समय में हम मजबूती के साथ में इस राष्ट्र को और हम आगे ले जा सके, ये सारी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। आज इस बात का हमको फख्र होता है, इस बात का गौरव होता है कि इस संविधान के तहत जो काम करने का अवसर
जो सारे लोगों को जो दिया गया है और उसमें एक एक अनुच्छेद में ये सारे बातों को दर्शाई गई है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा संविधान दिवस ही नहीं बल्कि इस संविधान के बारे में इस देश के नागरिकों को जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही उनका सम्मान करेंगे और जब सम्मान बढ़ते जाएगा तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में हम विश्व में कीर्तिमान बनाने में हम सफल होंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता ऐसे उनके जब 150 साल मनाए गए और उसके बाद में उनके जीवन को व्यक्तित्व को लेकर के जिस प्रकार से कल्पना की गई उसको साकार रूप में परिणित करने का काम किया गया है। आज के इस अवसर पर हमें पद यात्रा भी करनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हम सबको मिलेगा। मैं आप सभी को इस संविधान दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए बधाई देते हुए और आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारा संविधान हमारा आदर्श हो और उसमें जो लिखी गई बातों का परिपालन करते हुए विश्व को भारत के मुकाम में हम प्रथम नंबर पर पहुंचा सके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ऐसा हम सबका संविधान है। और हम सब यहाँ पर संविधान दिवस पर पदयात्रा के लिए एकत्रित हुए हैं। जितना जोश इस दर्शक दुर्गा में सारे लोगों में है उससे दुगुना जोश मंचस्थ अतिथियों में भी हमें नजर आ रहा है। इस जोश को और दुगुना चार गुना करने के लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे हमें आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहें। आपके उद्बोधन से जो हमारे बीज उत्साह का बीज अंकुरित होगा वो पल्लवित और पुष्पित एक वृक्ष के रूप में होगा। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज संविधान दिवस के उपलक्ष में आयोजित आज के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी, प्रदेश के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे प्रदेश के युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, संजय श्रीवास्तव जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं और छत्तीसगढ़ और इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मीडिया के साथीगण, आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आज के इस अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के महान विभूति घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, रामप्रसाद पोटाई जी को नमन करता हूं, जिनका संविधान के निर्माण में योगदान रहा है। भारत के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं जब यह बात कर रहा हूं तब आप लोगों को निश्चित रूप से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे भाई बहनों की याद आ रही होगी, लेकिन यह बात बस्तर या अबुधमार तक ही सीमित नहीं है। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी पर भी यह बात लागू होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान की नींव हमारे विरासत पर ही टिकी है। इस बात को समझकर ही हम संविधान की रोशनी में अपने भावी विकास की ठीक ठीक दिशा तय कर पाएंगे। इस बात को समझकर ही हम अपनी राजनीतिक परंपराओं में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारियों की बात लिखी है वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विरासत को बचाए रखना उनकी मूल चिंता थी, लेकिन हमने अभी देखा कि बीच के दौर में संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार जब धारा 370 हटाती है, जब मुस्लिम महिलाओं के मानवीय अधिकारों को
सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक पर विधेयक लाती है तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत नेलानार जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के गठित विकास प्राधिकरणों और अन्य मंचों को अधिक उत्तरदायी बनाया है, उनमें प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन तक संवैधानिक अधिकारों और केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं को लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संविधान दिवस पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। यहां से हम सब पैदल चलकर अम्बेडकर चौक जाएंगे, वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए आप सब लोग भारी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और डिप्टी सीएम सर का आगमन हो चुका है, अरुण साहु जी का भी, उनका भी इस मंच की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सेक्रेटरी मैम से मैं आग्रह करूंगी कि वे उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें और सुशासन की बात सर ने की, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संविधान की बारीकियों की तरफ शुरू हो चुके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरे कैबिनेट की बात की जाए तो इस पद यात्रा में शामिल होंगे। तो बता दें कि संविधान को पूरे हुए 75 साल हो चुके हैं और 75 साल पूरे होने के मौके पर यह खास आयोजन आज छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर की तस्वीरें ये आप देखें, इसके पहले हमने देखा था सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर संबोधित किया था, इसके अलावा जो मंत्री हिमंडल है वो भी साथ में मौजूद था। तो देखिए कार्यक्रम हुआ और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई और उसके बाद ये तस्वीर आप जरा देखिए, संविधान दिवस मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो पारंपरिक नृत्य होता है, जो संस्कृति है यहाँ की, उसकी झलक आप देख पा रहे हैं। तो ये पद यात्रा जो कि तय थी और अब ये पद यात्रा शुरू हो रही है। तो देखिए संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं और इसी खास मौके पर राजधानी रायपुर में इस पद यात्रा का आयोजन किया गया है। तो बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा जो कैबिनेट है उनका पूरा वो भी इस पदयात्रा में शामिल होगा। और ये तस्वीर आप देखें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, और ये पदयात्रा अब शुरू हो चुकी है। तो बता दें
कि पदयात्रा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार में संविधान पर, हमने देखा कि कुछ प्रतियोगिताएं भी हैं और उसके बाद इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है और जो कि कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई है और ये यात्रा जाएगी अम्बेडकर चौक तक। तो देखिए ये यात्रा जिसकी शुरुआत हुई है, पद यात्रा ये निकाली जा रही है, संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके पहले देखिए हमने वो भी देखा कि जब पूरे देश में जो है एक साल तक संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जानकारी भी साझा की गई और उसके बाद देखिए अलग अलग जगह आज कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं संविधान दिवस के मौके पर। और जाहिर सी बात है आज का दिन बिल्कुल खास है, संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू भी कर दिया गया था और सबसे लंबा लिखित संविधान जिसे अपनाया गया था। और अब देखिए संविधान दिवस के यहाँ पर 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर इस पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा की व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर पद यात्रा शुरू हो चुकी है और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो देखिए खास बात ये भी होगी कि इस दौरान लोगों को संविधान के बारे में जानकारी भी साझा की जाएगी और न केवल ये पद यात्रा बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में भी संविधान दिवस के खास मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां स्कूलों की बात की जाए तो बच्चों के लिए कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, ताकि जो आज के बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, वो संविधान को जान सके, समझ सके, उसे अपना सके, क्योंकि संविधान ही हमारा स्वाभिमान है। और इसी कड़ी में फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये पद यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में देखिए कैबिनेट जो है वो तो पूरा शामिल हुआ ही है, मुख्यमंत्री भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ जो और भी लोग हैं वो इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं। तो अम्बेडकर चौक तक ये पद यात्रा जाएगी और उसके बाद अम्बेडकर की मूर्ति जो वहाँ पर है फूल अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जाएगी और उन्हें याद किया जाएगा। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ली हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेगी ये देखिए पदयात्रा की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ में डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आ रहे हैं और ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। तो देखिए आपको एक बार फिर से बता दें कि देश के संविधान को अपनाया गया था, 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी खास मौके पर अलग अलग जगह कई कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और उसी कड़ी में इस पद यात्रा का आयोजन भी किया गया है। तो फिलहाल ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हाथ में तिरंगा झंडा उनके है और आप देख सकते हैं कि एक तरफ मंत्री टंकराम वर्मा तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये पद यात्रा निकल चुकी है जो कि अम्बेडकर चौक तक जाएगी। तो देखिए खास ये मौका है, खास बनाने की कोशिश की गई है, पदयात्रा निकाली गई है और इस पदयात्रा के जरिए देखिए लोगों को जानकारी भी पहुंचाई जाएगी कि आखिर हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान कितना खास है, हमारा स्वाभिमान है। अम्बेडकर चौक तक ये पदयात्रा पहुंचेगी और उसके बाद श्रद्धांजलि यहाँ पर बाबा साहेब को दी जाएगी और उसके बाद ये दूसरी तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मेडिकल कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे और उनकी तस्वीर पर फूल माला लगाई गई, दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद उन्हें आज याद किया गया। तो ये तस्वीरें लगातार संविधान दिवस पर पदयात्रा का आयोजन किया गया है और 75 साल पूरे होने के खास मौके पर ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की घोषणा भी की गई है और इसका नाम रखा गया है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और देखिए ये एक अभियान होगा और इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी होंगे और इस उद्देश्य की बात की जाए तो संविधान में
जो जो चीज़ें हैं, जो संविधान जिन्होंने लिखा है, उनके योगदान को याद करना, उनका सम्मान करना है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि 26 नवंबर 1949 की वो ऐतिहासिक तारीख जब भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान प्रभावी हुआ। तो देखिए, ये जो संविधान है हमारा, वो भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत इसने की थी। और ये दिन बेहद ही खास हो जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को इस दिन अपनाया गया था। और जाहिर सी बात है कि ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। हम सभी को हमारे संविधान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और क्योंकि ये हमारा स्वाभिमान है। तो दो तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है राजधानी रायपुर के सड़कों की, जहां पर संविधान के 75 साल पूरे होने पर पदयात्रा का आयोजन किया गया और ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ये पदयात्रा आगे बढ़ती जा रही है, जो कि अम्बेडकर चौक तक जाएगी। दूसरी तस्वीर उस कार्यक्रम की हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जो इस पद यात्रा के पहले हुआ था। तमाम बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे थे, संविधान के बारे में उन्होंने जाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान को लेकर बड़ी बारीकी से बच्चों तक जानकारी साझा की कि हमारा संविधान कैसा है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है, क्योंकि आज की पीढ़ी को संविधान को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और ये दो तस्वीरें लगातार, और ये केवल छत्तीसगढ़ की तस्वीरें तो फिलहाल आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में आज संविधान दिवस के खास मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, स्कूल के स्तर पर हो। चूंकि स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में भी कई कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, और खास बात ये भी है कि बच्चे भी बढ़ चढ़ कर इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए इसलिए भी आयोजित की गई हैं ताकि वो अपने संविधान को जाने, और ये इससे संविधान की अच्छी बात रहेगी। और ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें। पहली तस्वीर जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच, आग चौबंद व्यवस्था के बीच पदयात्रा शुरू हो चुकी है।